गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 18 और दिस वर्कशीट फॉर 16th ऑफ अगस्त 2021। सो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, जिसमें से जिज्ञासा और ज्ञान से ज्ञान फिर से जिज्ञासा दे जिससे सवाल कर रही है। व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑनियन पील्स लाइट अंडर ए माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स, आर द ऑर्गेनिज्म आल्सो मेड ऑफ सेल्स। तो ये पूछता है जो क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो डेफिनेटली सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रोस्कोप से देखिए चाहे जैसे भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो ऑल लिविंग बींग आर मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर होता है, जिससे स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है सेल। सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। एंड सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लिविंग बींग आर परफॉर्म बाई द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। यानी तो आपको याद रखना है सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो कहलाता है सेल कहलाता है, सिंपल साइड डिफिनेशन रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको जो है ना डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर जिसमें मेड ऑफ एक सी सेल से होता है जैसे अमीबा बैक्टीरिया पैरामीशियम, जो कि मल्टी सेलुलर जैसे कई सेलों से बना होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए जैसे सेल टिश्यू से बना होता है, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, जैसे प्लांट हो गया, इसमें एनिमल हो गया और फंजाई हो गया, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें ये है, जैसे वन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स आर टू टाइप्स। स्ट्रक्चर के आधार पर सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अभी इसमें नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक ये कॉम्प्लेक्स सेल होता है, ठीक है, ये इसमें जो है ना मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस इट इज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ टू टाइप्स का होता है, प्लांट यूकैरियोटिक और एनिमल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि स्टार मार्क्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्रोकैरियोटिक साइज में छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक डिस्टेंस न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में जबकि इसमें अब्सेंट होता है यूकैरियोटिक में। मोस्ट सेल ऑर्गेनल अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन क्रोमोसोम पाया जाता है। एग्जांपल बैक्टीरिया है, एग्जांपल एनिमल फंजाई और प्लांट होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये फैक्ट है, जो सेल वर्ल्ड फर्स्ट डिस्कवर रॉबर्ट हुक, सेल को पहले किसने खोज किया, रॉबर्ट हुक ने खोज किया 1665 में, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल को किसने किया, द लिविन वे हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल्स थ्योरी। अब देखिए सेल जैसे सच वन ऑल लिविंग बींग्स आर कंपेयर्ड ऑफ कंपोज ऑफ सेल्स एंड द सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखिए इसमें आपको ये देखना डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान से चार प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का आंसर देना है, चलिए तो देते हैं, ठीक है। डिफाइन सेल, द सेल, सेल क्या होता है, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस देखिए, यहाँ ये रहा साइज में स्मॉल होता है प्रोकैरियोटिक, जो 10 μm से कम होता है के आसपास होता है, जबकि यूकैरियोटिक 5 से 100 μm होता है, ठीक है। साइज में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस अब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियाई नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट सेल ऑर्गेनल अब्सेंट होता है जबकि मोस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जबकि मोर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया, इसमें एनिमल फंजाई और प्लांट आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान से प्रश्न है, हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट वर फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665 में, ठीक है। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वर्कशीट को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। और डियर स्टूडेंट आप अगर जो है ना हमारे चैनल आप जो है ना फिर इस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर और जो फिर टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल डेट कैरीज आउट ऑफ द फंक्शंस नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया जो सिंगल सेल से बना होता है यूनिसेलुलर कहलाता है, प्रोटिस्ट
और यीस्ट होता है, जबकि मल्टी सेलर जो कई सेलों से बना होता है, राइट। जैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मेड अप होता है मेनी सेल्स, जैसे प्लांट, ह्यूमन बींग्स। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बॉक्स अच्छा